Hello, and once again, you are welcome to my educational channel, the English Learning Channel. The main purpose of this channel is to teach English to those students uh, whose second language is English and uh, whose mother tongue is uh, Hindi or rather Hindustani. My only aim in making this channel was to teach those students who think that. English is a difficult language, and who wanted to be taught English through their mother tongue, that is Hindi. So this lesson is from your prose book. It is in the class twelfth of UP Board. Prose means you. Your third lesson the first lesson and the second lesson I have already taught. The first lesson was. अ गर्ल विद अ बास्ट द सेकेंड लेसन वॉज अ फैलो ट्रैवलर एंड ऑल दिस वन दंगा द गंगा लेसन जो है पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने लिखा है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया द गंगा की आप कुछ पहले पिक्चर देख लीजिए उसके बाद हम टैक्स पर आएंगे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इट्स अ डे टाइम एंड गंगा इज़ फ्लोइंग थ्रू अ सिटी Uh, काफ़ी अच्छा नज़ारा है गंगा के जो दो बैंक्स हैं दोनों किनारों पर देर सो मैनी पीपल टेकिंग डिप्स स्टे पवित्र स्नान करते हुए शानदार नज़ारा है और आप आगे और ये देख सकते हैं गंगा का जो ऑरिजिन है गंगा कहाँ से निकली है ग्लेशियर है ये ग्लेशियर कहते हैं रिवर ऑफ आइस ठीक है और जिस ग्लेशियर से गंगा निकलती है उसका नाम आप लोग मुझसे बेहतर जानते होंगे गंगोत्री ये गंगोत्री का सारा सीन है यहाँ से गंगा जो है पहाड़ से निकलती हुई मैदानी इलाकों से होती हुई और बाद में पता ही आपको कहाँ पहुँच जाती है ये इसका रूट दिया है गंगा का ताकि आप लेसन को थोड़ा बेहतर तरीके से समझ सकें ये यहाँ कहीं शुरुआत ऊपर जो दिया हुआ है ये यहाँ पर देख सकते हैं आप ये रही आपकी गया यहाँ पर देख सकते हैं आप ये देख सकते हैं ये जो पॉइंट है ये 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 यहाँ से गंगा निकली है और उसके बाद ये इधर से आ रही है सब मैदानी इलाकों से ठीक है कानपुर इलाहाबाद वाराणसी पटना से होती हुई इधर आ गई है वेस्ट में, बंगाल में पश्चिम बंगाल में जहाँ की राजधानी कोलकाता है पहले कैलकाटा कहते थे अब कोलकाता कहते हैं और यहाँ पर ये आपका बे ऑफ बंगाल है ठीक है बे ऑफ बंगाल में जाकर गंगा मिल जाती है ठीक है बे ऑफ बंगाल जो है वो इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर का ही एक छोटा हिस्सा है तो बे ऑफ़ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गंगा गिर जाती है चलती कहाँ से ऊपर से देख लिया आपने ऋषिकेश से भी और ऊपर जाकर देवप्रयाग लिखा हुआ इस सब गंगा का रूल दे रखा है ये मैंने इसलिए बताया आपको ताकि आप लेसन को बेहतर तरीके से समझ सकें क्योंकि लेसन में इस तरह की बातें आएंगी ठीक है आगे बढ़ते हैं ये आ गया आपका ये गंगा का जो सीन दिख रहा है ये रात का नज़ारा है देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है रात की जो आर्टिफिशियल लाइट्स हैं और ऊपर जो आसमानी लाइट्स हैं वो सब गंगा के पानी पर पड़ रही हैं तो अद्भुत नज़ारा है रात का ये वो हैं जिन्होंने लेसन को लिखा है द गंगा पहचान होंगे आप इनकी सूरत देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन्हें गुलाब का फूल लगाने का बहुत शौक़ था अपनी इस वेस्ट कोट पर जिस ये जिन्होंने पैन रखी है ऊपर शर्ट के ऊपर इसे जवाहर कट के नाम से जाना जाता है इन्हीं के नाम से तो ये हैं लहसन के ऑथर ठीक है की अब हम आपको सीधा सीधा वहीं ले चलते हैं लहसन पर लेसन पर आ जाते हैं ये आ गया आपका लेसन देख सकते हैं आप यहाँ पर ये सब आपके पंडित नेहरू जी हैं ये थोड़ा लिखा हुआ है कि क्या थी ये कि लेसन के बारे में भी दिया हुआ है ये लेसन जो है कहीं से लिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो अपनी विलोटेस्टमेंट और लिखी थी वसीयत लिखी थी लास्ट उसमें से कुछ पैराग्राफ्स ले लिए गए हैं ठीक है इस तरह लेसन यहाँ शुरू होता है आइए सीधे काम की बात करते हैं बहुत ध्यान से समझ कर चलिएगा इसे ये थोड़ा सा खिसका लेते हैं और आ जाते हैं यहाँ पर पेन उठा लेते हैं देखिए आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल आई हैव रिसीव्ड मुझे मिला है इतना प्रेम एंड अफैक्शन अफैक्शन स्नेह मुझे इतना प्रेम और स्नेह मिला है फ्रॉम द इंडियन पीपल भारतीय लोगों से दैट नथिंग दैट आई कैन डू दैट नथिंग दैट आई कैन डू दैट नथिंग दैट आई कैन डू कैन रिपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट तो वो इसका अंश मात्र भी नहीं लौटा सकता ठीक है रिपे का मतलब है लौटाना इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट अंश मात्र भी छोटा सा अंश भी यानी इतना प्रेम मुझे लोगों ने दिया है हिंदुस्तानियों ने कि मैं अगर चाहूं भी कि उस प्रेम स्नेह को लौटा दूं तो उसका अंश मात्र भी नहीं लौटा सकता एंड इन डीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रेस थिंग एज अफेक्शन और हकीकत तो यह है कि अफैक्शन स्नेह जैसी चीज़ का कोई बदला है भी नहीं रिपेमेंट यानी आप उसकीमत चुका भी नहीं सकते मैनी हैव बिन एडमायर्ड इंडिया में बहुत सौ को एडमायर किया गया एडमायर कहते हैं तारीफ़ करना बहुत लोगों की तारीफ़ हुई है इंडिया में सम हैव बिन रिवियर कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा सम्मान भी मिला है रिवियर का रेफरेंस से बना है श्रद्धा कुछ लोगों को तो श्रद्धा तक की नज़र से देखा गया है बट दी अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेज ऑफ द इंडियन पीपल हैज़ कम टू मी इन सच मेजर लेकिन मुझे भारतीयों के सभी वर्गों से क्लासेस का मतलब वर्ग सभी वर्गों से इतनी ज़्यादा मात्रा में अबंडेंट कहते हैं आ, बड़ी मात्रा में है ना मेजर कहते हैं मात्रा एबंडेंट कहते हैं प्रचुर मात्रा में यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मुझे प्रेम मिला है स्नेह मिला है दैट आई हैव बिन ओवरवेलम बाय इट कि मैं बहुत इमोशनल फील करता हूँ ओवरवेलम का मतलब वेरी सेंटिमेंटल और वेरी इमोशनल ठीक है गदगद गद हो जाना मैं इतना ज़्यादा प्रेम मिला है कि मैं भाव विभोर हो गया हूँ आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप बस मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ डैट इन द रिमेनिंग ईयर्स कि मेरी ज़िंदगी के जो बाकी के साल बचे हैं उसमें आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल मैं अपने लोगों की अपेक्षाओं के प्रति अनवर्दी नहीं रहूँगा अनवर्दी मतलब लायक का उल्टा वर्दी कहते हैं लायक और अनवर्दी यानी ना लायक यानी मैं अपने आप अप साबित करूँगा कि मुझे जो उनसे अफेक्शन मिला अभी तक मैं सच में उसके लायक हूँ समझिए आप ला? तो ये है उसके लायक हूँ टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स इन्यूमरेबल मतलब असंख्य जिनकी संख्या आसानी से ना हो सके कॉमरेड्स एंड कॉलेग्स का मतलब है साथी ये जो मेरे असंख्य साथी हैं उनके प्रति आई ओ एन ईवन डीपर डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड उनके प्रति मैं और ज़्यादा आभारी हूँ वैसे तो पूरी इंडियन पब्लिक का आभारी हूँ लेकिन वो जो मेरे साथ ही रहे हैं जिनके साथ मिलकर मैंने काम किया है उनके प्रति मैं एक्स्ट्रा ग्रेटफुल हूँ और ज़्यादा आभारी हूँ वी हैव बिन जॉइन पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स ये जो बड़े बड़े जोखिम भरे काम रहे हैं अंडरटेकिंग्स मतलब काम या कारनामे बड़े बड़े जोखिम भरे कारनाम जो रहे हैं उसमें हम क्या रहे हैं पार्टनर्स हमने साथ में मिलकर काम किया है एंड हैव शेयर द ट्राइम फ्रेंड सारोज और हमने शेयर किया है मिलकर बांटा है जीत को और दुखों को अगर हमें जीत मिली है तो जीत को बांटा है और हार मिली है किसी काम में तो हमने हार को भी बांटा है विच इविटेबली अ कंपनी नेम जो भी काम हमने किए हैं मेरे और मेरे साथियों ने अगर उसमें जीत मिली है तो जीत को हमने शेयर किया है और हार मिली है तो हार को शेयर किया है यानी खुशी को भी शेयर किया है और दुख को भी शेयर किया है वन आई डाई जब मैं मरूँ आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड तो मैं चाहूँगा कि मेरी बॉडी को यानी मेरे शरीर को क्रीमेट किया जाए क्रीमेट कहते हैं अंतिम संस्कार करना सॉरी आग के हवाले करना ठीक है शुद्ध हिंदी में कहते हैं दाह संस्कार करना आफ्टर डेथ अ पर्सनस डेड बॉडी इज़ क्रीमेटेड अकॉर्डिंग टू दिंदू राइट्स ठीक है एवरी रिलीजन डज नॉट डू सो बट अकॉर्डिंग टू दिंदू रिलीजन द डेड बॉडीज़ आर क्रीमेटेड वंस द पर पर्सन डाइज तो वो कह रहे हैं कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरे शरीर को यानी मृत शरीर को आग के हवाले कर दिया जाए इफ़ आई डाई इन अ फॉरन कंट्री अगर मैं इंडिया से बाहर कहीं मरूँ विदेश में मरूँ माई बॉडी शुड बी क्रीमेटड देयर तो मेरे शरीर का दाह संस्कार वहीं कर दिया जाए वहीं आग के हवाले कर दिया जाए एंड माई ऐश और जहाँ तक मेरी ऐशेज़ हैं ऐश कहते हैं राख मेरी जो राख है भस्म है उसे क्या किया जाए सेंटू इलाहाबाद वो इलाहाबाद भेज दी जाए जिस देश में मैं रहूँ वहीं पर मेरे शरीर को जला दिया जाए और जो राख है वो इलाहाबाद मेरे वतन मेरे शहर में भेज दी जाए अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एशिज स्मॉल हैंडफुल का मतलब मुट्ठी भर मुट्ठी भर राख शुड बी थ्रोन इन द गंगा गंगा में फेंक दी जाए एंड द मेजर पोर्शन ऑफ डैम और राख का जो बड़ा हिस्सा है मेजर पोर्शन बड़ा हिस्सा एक मुट्ठी राख गंगा में फेंक दी जाए और बाकी का जो बड़ा हिस्सा है राख का डिस्पोज ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो उसे नीचे दिए गए तरीके के अनुसार यूज़ किया जाए अब वो बताएंगे कि बाकी का राख का हिस्सा कैसे यूज़ किया जाए नो पार्ट ऑफ दीज एशेज मेरी राख का ज़रा सा भी हिस्सा शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व उसे बचा कर ना रखा जाए म्यूज़ियम के लिए ना रखा जाए कि नेहरू जी की कैमरा शरीर की राख है कुछ नहीं जितनी राख है उसका एक मुट्ठी हिस्सा गंगा में फेंक दिया जाए और बड़ा हिस्सा जैसा मैं बताने वाला हूँ वैसे यूज़ किया जाए माई डिज़ायर टू हैव अंडफुल ऑफ माई एशेज मेरी ये जो इच्छा है कि मेरी एक मुठ्ठी राख थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद इलाहाबाद से गुजरने वाली गंगा में फेंक दी जाए हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है कोई ये ना सोचे कि मैंने गंगा इसलिए कहा है क्योंकि मैं इस धर्म से जुड़ा हुआ हूँ कि मैंने धार्मिक आधार पर बात नहीं कही है इस इच्छा का धर्म से लेना देना नहीं है सो फार एज आई एम कंसर्न जहाँ तक मेरा सवाल है आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर इस मामले में, में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है ठीक है मेरी इस इच्छा के पीछे धर्म जो है वो आधार नहीं है दे आ गया आपके या यहाँ पर धार्मिक आधार इसका नहीं है ये पेज थोड़ा सा गया घबराइए नहीं अभी मिल जाएगा तीसरा ही चला ऐसे है ने। तो नेहरू जी की इच्छा तो आप लोग समझ ही गए क्या इच्छा है कि उनके मरने के बाद उनके शरीर को आग के हवाले कर दिए जाए और अगर वो विदेश में मरें तो क्या किया जाए विदेश में उनके शरीर को जला दिया जाए लेकिन जो राख है वो इंडिया में भेज दी जाए और उस राख का एक मुट्ठी हिस्सा जो है वो उसका क्या किया जाए इलाहाबाद में गंगा में फेंक दिए जाए इलाहाबाद में है ना पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं इलाहाबाद से जो गुजर रही है गंगा उस पानी में उस राख को मिला दिया जाए और साथ ही ये भी कहते हैं कि ये जो इच्छा है मेरी इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मैं इस मामले में धार्मिक भावना नहीं रखता पेज थोड़ा सा हट गया आप लोग परेशान मिल गया ठीक है वीडियो बनाने में कभी कभी काफ़ी मेहनत करनी पड़ जाती है क्योंकि उतने साधन है नहीं मेरे पास लेकिन चाहता हूँ कि बच्चों की समझ में लेसन आ जाए तो पहुंच ही रहे हैं ये आ गया आपका तीसरा लेसन द गंगा का इतना हिस्सा हो गया ठीक है ये इच्छा बता दी अब यहाँ पर आ गए देखिए अब आई हैव बिन अटैच टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद मैं जुड़ा हुआ हूँ इलाहाबाद की गंगा और यमुना नदियों से एवर सिंस माय चाइल्डहुड अपने बचपन से यानी मैं पैदा ही इलाहाबाद में हुआ हूँ तो गंगा और यमुना से मेरा जो लगाव है वो कुछ सालों का नहीं है बचपन से है एंड आज आई हैव ग्रोन ओल्डर और जैसे जैसे मैं उम्र में बड़ा हुआ हूँ दिस अटैचमेंट हैज़ ऑल्सो ग्रोन ये जो लगाव है ये भी बड़ा है आई हैव वॉश्ड मैंने देखा है दे आर वेरिंग मूड्स गंगा और जमुना के बदलते हुए स्वभावों को वेरी कहते हैं बदलना चेंज होना वेरिंग का मतलब चेंजिंग मूड्स का मतलब स्वभाव मैंने गंगा जमुना के बदलते हुए स्वभावों को देखा है एज द सीजन्स चेंज जैसे जैसे मौसम बदले हैं यानी गंगा जमुना या और भी कोई भी नदियाँ आप ले सकते हैं वो सीजन बदलने के साथ साथ अपना स्वभाव बदलती रहती है एंड हैव बीन थाट ऑफ दिस्ट्री और मैंने सोचा है उस इतिहास के बारे में एंड मित उस पुराण के बारे में एंड ट्रेडिशन उस परम्परा के बारे में एंड सॉन्ग उन गीतों के बारे में एंड स्टोरी उन दास्तानों के बारे में उन कहानियों के बारे में देट हैव बीन बिकम अटैच टू दैम जो कि गंगा जमुना से जोड़ दिए गए हैं गीत हो दास्तानें हो परंपराएं हो पुराणिक बातें हो ऐतिहासिक बातें हो जो इन नदियों से जोड़ दी गई हैं उन सबको मैंने महसूस मैं किया थ्रू द लॉन्ग एजेस यानी सदियों से जो कहानियां इन नदियों से जोड़ दी गई हैं और इनके बहते हुए पानियों का हिस्सा बन गई हैं तो बहुत मायने रखती हैं गंगा इनके लिए द गंगा इस्पेशली द रिवर ऑफ इंडिया गंगा जो है विशेष रूप से भारत की नदी है यानी अगर कहा जाए कि कोई राष्ट्रीय नदी इंडिया की तो ज़्यादातर लोगों के माइंड में एक ही नाम आएगा द गंगा तो गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है बिलवेड ऑफ हर पीपल जिसे लोगों ने बहुत प्यार दिया है राउंड विच आर इंटरट्वाइंड हर रेशल मेमरीज इसके चारों तरफ बुनी हुई हैं इंटरटन करना बुनी हुई हैं भारत की प्रजातीय यादें रेश, रेशल जो है रेस से बना है आ रेसी रेस कहते हैं प्रजाति है ना रेस वैसे तो दौड़ को भी कहते हैं रेस प्रजाति को भी कहते हैं जाति से थोड़ा ऊपर का वर्ड होता है जाति धर्म के अंदर होती है प्रजाति का जो आधार है वो जियाग्राफी होता है ठीक है पूरी दुनिया में जोग्राफिकल सेक्टर्स अगर बनाए जाएँ तो उसके हिसाब से होता है कि ये प्रजाति ये वो प्रजाति तो प्रजाति का धर्म से कोई लेना देना नहीं है इसका भौगोलिक आधार होता है हर होप्स एंड फीयर्स गंगा जो है भारत की उम्मीदों का नाम है भारत के डरों का नाम है हर सॉन्ग्स ऑफ ट्राइम गंगा भारत की जीत के गीतों का नाम है हर विक्ट्रीज भारत की जीतों का नाम है एंड हर डिफीट्स और गंगा भारत की पराजय का भी नाम है यानी गंगा से जुड़ी हुई तमाम तरह की बातें ढेरों विजय ढेरों पराजय ढेरों उम्मीदें ढेरों डर शीहबिन सिंबल ऑफ़ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन गंगा सिंबल रही है यानी प्रतीक रही है भारत की सदियों पुरानी कल्चर यानी संस्कृति से और सभ्यता से एवर चेंजिंग एवर चेंजिंग हमेशा बदलती रही है हमेशा बदलती भी रही है एवर फ्लोइंग हमेशा बहती रही है जैसे गंगा हमेशा बहती रही है ऐसी भारत की संस्कृति और सभ्यता भी बहती रही है यानी उसमें ठहराव नहीं आया एंड येट एवर द सेम गंगा तो इतना बदलाव आने के बाद भी लगातार बहने के बाद भी गंगा आज भी वही गंगा है अभी किस सेंस में कहा है ये आप ये सोच सकते हैं कि गंगा के प्रति जो प्रेम स्नेह है लोगों का उसमें कमी नहीं आई शी रिमाइंड मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स गंगा मुझे याद दिलाती है स्नो कवर्ड बर्फ से ढकी हुई चोटियों की एंड द डीप वैलीज ऑफ़ द हिमालज और हिमालय की गहरी गहरी घाटियों की हिमालय कोई पहाड़ का नाम नहीं है आप कभी नोटिस करिए कि हिमालय में हमेशा ऐस लगा होता है हिमालयास तो ये एक पहाड़ नहीं है बल्कि ये पहाड़ों की पूरी एक श्रृंखला है ना एक चेन है रेंज है रेंज ऑफ माउंटेंस मतलब ये एक पहाड़ नहीं है कभी आप सोचेंगे ये पहाड़ हिमालय नहीं पहाड़ नहीं ये दरअसल पहाड़ों की एक श्रृंखला है पूरी अ चेन ऑफ माउंटेंस इसलिए ऐसा लगा होता है इसमें हिमालयास तो हिमालय की जो गहरी गहरी घाटियाँ हैं उनकी भी याद दिलाती हैं विच आई हैव लव्ड सो मच जिन्हें मैंने बहुत प्रेम किया है यानी हमेशा पसंद आई है मुझे हिमालय की चोटियाँ हिमालय की घाटियाँ एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो और गंगा जब पहाड़ों से उतरकर नीचे मैदानी इलाकों में आती है उनकी याद दिलाती है वे माई लाइफ एंड वर्क हैव बिन कास्ट जहाँ मेरे जीवन का ज़्यादातर समय बीता है और जहाँ मैंने अपने ज़्यादातर कामों को अंजाम दिया है तो गंगा मुझे जब भी गंगा को देखता हूँ तो दिमाग में हिमालय भी आता है यानी गंगोत्री आती है कि जहाँ से गंगा शुरू हुई है और जहाँ गंगा बहकर जा रही है मैदानी इलाके उनकी तो याद आती ही अब यह गंगा जो है ये देख सकते हैं आप गंगा स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट अभी गंगा का थोड़ा सा स्वभाव बताया जब सुबह के सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो ये कैसी नज़र आती है स्माइलिंग एंड डांसिंग मुस्कुराती हुई और नृत्य करती हुई लहरें जो हैं गंगा की सुबह के सूरज की रोशनी में मुस्कुराती हुई और नाचती हुई नज़र आती हैं एंड डार्क एंड ग्लूमी और काली और अंधेरे से भरी हुई एंड फुल ऑफ मिस्ट्री और रहस्य से भरी हुई एज द इवनिंग शेडोज फॉल जब शाम के सए उस पर पड़ते हैं तो वो अंधेरी और रहस्य से भरी हुई नजर आती है तो सुबह में कुछ और नज़र आती है शाम को कुछ और नज़र आती है नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर विंटर यानी जाड़ों में वो कैसी नज़र आती है नैरो पतली एंड स्लो धीमे धीमे बहने वाली एंड ग्रेसफुल बड़ी शोभा के साथ चलने वाली बड़ी नज़ाकत के साथ चलने वाली ठीक है तो झाड़ों में चूँकि आप समझ ही सकते हैं कि आ, पानी कम हो जाता होगा गंगा में तो बड़े आहिस्ता आहिस्ता और पतली हो जाती है ठीक है पतली हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता चलती है और बड़ी शोभा के साथ चलती है नज़ाकत के साथ एंड अ वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून और जब मानसून का सीजन आता है तो कैसी हो जाती है वास्ट बहुत विशाल पतली पतली गंगा झाड़ों की मानसून सीजन आते ही चौड़ी हो जाती है और रोरिंग रोरिंग कहते हैं दहाड़ती हुई तो आप इमेजिन कर सकते हैं आजकल तो ख़ास करके कि मानसून सीज़न चल रहा है सिर्फ गंगा ही नहीं और भी कई नदियाँ जो हैं वो विशाल रूप धारण कर चुकी हैं और दहाड़ रही हैं ब्रॉड बुजम्ड ऑलमोस्ट एज द सी ब्रॉड कहते हैं चौड़ा बुजम्ब कहते हैं सीना अपना सीना ऐसे चौड़ा कर लेती है एज द सी जैसे कि ये कोई नदी ना हो बल्कि समंदर हो समुंदर से मुकाबला करने लगती है अपनी चौड़ाई में एंड विथ समथिंग ऑफ द सी पावर टू डिस्ट्रॉय और तो और अपने अंदर समुंदर वाली शक्ति भी ले आती है डिस्ट्रॉय करने की नष्ट करने की समुंदर जिस तरीके से अपने आसपास की आबादी को नष्ट कर सकता है वही शक्ति जो है गंगा में आ जाती है मानसून सीजन में तो ये गंगा जो जाड़ों में ऐसी है मानसून में ऐसी है सुबह को ऐसी है शाम को ऐसी है ये गंगा हैज़ बीन टू मी अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया ये मेरे लिए प्रतीक है और याद है भारत के अतीत की रनिंग इन टू द प्रेजेंट जो कि वर्तमान में बह रही है एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर और भविष्य के महासागर में जाकर मिल जाने वाली है तो इसमें तीन बातें बताइए पास्ट अगर आप गंगा का पास्ट सोचें तो गंगोत्री आएगा गंगा का प्रेजेंट माने तो वो सारे इलाके जहाँ से गंगा बहती हुई आ रही है और गंगा का अगर फ्यूचर सोचें तो वो है आपका ग्रेट ओशन ठीक है ग्रेट ओशन यानी महासागर कौन सा महासागर है वो जहाँ वो मिलनी है हिंद महासागर ठीक है बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर तो ये गंगा है प्रतीक एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन कस्टम हालाँकि मैंने नकारा है डिस्कार्ड कहते हैं नकारना रिजेक्ट करना रिफ्यूज़ करना मच ऑफ़ द पास्ट ट्रेडिशन कस्टम मैंने भारत के कई पुरानी परम्पराओं और दस्तूरों को नकारा है यानी स्वीकार नहीं किया है एंड एम एंक्शस ये एम है ए एम होना चाहिए था मिसप्रिंट हो गया एंड एम एंक्शियस और मैं चिंतित हूँ दैट इंडिया शुड रीड हर सेल्फ ऑफ ऑल शैकल्स कि भारत जो है अपने आप को आज़ाद कर ले आर आई डी रिट कहते हैं टू बिकम फ्री फ्राम किसी चीज़ से आज़ाद हो जाना वो किस चीज़ से आज़ाद होना शैकल्स शेकल्स कहते हैं बेड़ियाँ जंजीरें मैं चाहता हूँ कि भारत उन बेड़ियों से अपने आप को आज़ाद कर ले दैट बाइन एंड कंस्ट्रेन हर जो कि उसे बांधे हुए हैं और उसे रोके हुए हैं एंड डिवाइड हर पीपल और उसके लोगों को बांटती हैं वो बेड़ियाँ जो भारत के लोगों को आपस में बांटती हैं एंड सप्रेस वास्ट नंबर्स ऑफ डैम और बड़ी संख्या में हिंदुस्तानियों को दबाती हैं यानी कुछ ऐसी बेड़ियाँ हैं जो ज़्यादातर इंसानों हिंदुस्तानियों को आगे बढ़ने के बजाय दबा रही हैं एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ़ द बॉडी और शरीर के स्वतंत्र विकास को रोकती हैं एंड द स्प्रिट और आत्मा के भी स्वतंत्र विकास को रोकती हैं नेहरू जी का कहने का मतलब यह है कि कुछ ट्रेडिशंस ऐसे हैं इंडिया के कुछ कस्टम्स दस्तूर ऐसे हैं जो कि भारत के लोगों को आपस में दो टुकड़ों में बांटते हैं और ये दस्तूर ये परंपराएं ऐसी हैं जैसे शैकल्स बेड़ियाँ किसी शायर ने कहा है कि उड़ने नहीं देती खुली फिजाओं में हालात की जंजीरें पड़ी हैं पाँव में तो यहाँ भी कुछ ऐसी जंजीरें हैं जो ना तो शरीर का विकास होने दे रही हैं और ना आत्मा का दो आई सी कॉल दिस हालांकि ये सब मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो कि उन बेड़ियों से हिंदुस्तान अपने आप को आज़ाद कर ले उन परंपराओं को छोड़ दे फिर भी आई डो नाट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम देट पास्ट कम्प्लीटली मैं अपने उस अतीत से ख़ुद को पूरी तरह से कट ऑफ नहीं करना चाहता माना कि पास्ट में कुछ ट्रेडिशंस अच्छी नहीं हैं लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि मैं अपने आप को भारत के अतीत से पूरी तरह अलग करना चाहता हूँ ऐसा क्यों आई एम प्राउड ऑफ़ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस मुझे फख्र है मुझे गर्व है अपनी उस महान विरासत पर इनहेरिटेंस कहते हैं विरासत जो आपको ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र में मिलता रहता है आपके फादर से आपको मिला आपके फ़ादर को ग्रैंडफादर से मिला था ग्रैंडफादर को ग्रेट ग्रैंडफादर से मिला था एक चेन है पूरी तो ये विरासत है इस विरासत पर मैं गर्व करता हूँ जो हमारी रही है एंड इज और हमारी है एंड आई एम कॉन्शियस और मुझे पता है दैट आई टू लाइक ऑल ऑफ वर्स एम अ लिंक इन दी अनब्रोकन चेन कि मैं भी उस अन टूटी जंजीर का एक हिस्सा हूँ लिंक का मतलब कड़ी जंजीर कड़ियों से बनती हैं है ना कोई भी जंजीर हो वो एक कड़ी से नहीं मिलती कई कड़ियाँ होती हैं तो भारत की भारत को भी अगर एक चेन मान लिया जाए तो नागरिकों को उसकी कड़ियाँ माना जाएगा तो नेहरू जी कह रहे हैं कि मैं भी भारत नाम के जंजीर की एक कड़ी हूँ ठीक है वो जंजीर कोई छोटी मोटी जंजीर नहीं है विच गोज़ बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री द मेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया ये जंजीर इतनी बड़ी है जो इतिहास के डॉन से शुरू होती है डॉन कहते हैं अर्ली मॉर्निंग यानी भोर जिसे कहते हैं सूरज निकलने से भी पहले का टाइम तो भारत का जो इतिहास से भी पहले का इतिहास है वहाँ से जंजीर का एक सिरा शुरू होता है ठीक है तो चूँकि इतनी लंबी चेन है उसकी एक कड़ी मैं भी हूँ तो ये तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि अपने आप को इस चेन से अलग कर लूँ दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक उस जंजीर को तो मैं नहीं तोड़ना चाहूँगा फॉर आई ट्राइजर इट क्योंकि मैं इसकी वैल्यू समझता हूँ एंड सीक इंस्परेशन फ्राम इट और इससे प्रेरणा भी हासिल करता हूँ एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर और अपनी इसी वजह से मैंने ये इच्छा जाहिर की है एंड एज माई लास्ट होमिज टू इंडियाज़ कल्चरल इन्हीटेंस और भारत की सांस्कृतिक विरासत को अपनी तरफ से लास्ट होमिज होमिज कहते हैं श्रद्धांजलि भारत की महान विरासत को मेरी तरफ से आखिरी श्रद्धांजलि होगी क्या होगी आखिरी श्रद्धांजलि मेरी राख आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट इसीलिए मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दैट अ हैंडफुल ऑफ माई ऐसी मेरी एक मुठ्ठी राख बी थ्रोन इन टू द गंगा एट इलाहाबाद वो इलाहाबाद से गुजरती हुई गंगा में फेंक दी जाए एंड बी टू बी कैरी टू द ग्रेट ओशन ताकि गंगा उस राख को बहाती हुई हिंद महासागर तक ग्रेट ओशन यानी महासागर यानी बे ऑफ बंगाल या हिंद महासागर तक पहुंचा दे दैट वॉशिज इंडिया शोर्स वो हिंद महासागर जो कि भारत के तटों को धोता है भारत के कितने शोर्स हैं शोर कहते हैं किनारे है ना भारत जो है हिंद महासागर भारत को तीन तटों पर छूता है इंडिया के नॉर्थ में तो ज़मीन है चाइना वगैरह वगैरह सब और इंडिया के इधर आप देखें राइट साइड में तो ये सब है बे ऑफ बंगाल और इधर देखें लेफ़्ट साइड में तो क्या मिलता है अरेबियन गल्फ़ है और बिल्कुल नीचे देखें तो हिंद महासागर दिखाया जाता है मैप में तो भारत के तीन साइड ऐसी हैं लेफ्ट, राइट और आपका नीचे वाला हिस्सा श्रीलंका की साइड में भारत समुंदर जो है भारत के इन तीन हिस्सों पर छू रहा है यानी भारत को धो रहा है तो गंगा के सहारे वो भारत के कोने कोने में पहुंचना चाहते हैं ना सही ज़िंदगी में मरने के बाद इसे राख के माध्यम से छूना चाहते हैं। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एशेज शुड हावर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज लेकिन जो राख का बड़ा हिस्सा है जो शुरू में बात बताई गई थी कि राख का बड़ा हिस्सा कैसे इस्तेमाल किया जाए तो आप बता रहे हैं कि द मेजर पोर्शन ऑफ माई ऐश शूड हावेर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज उसे ऐसे इस्तेमाल किया जाए आई वॉन्ट दिस टू बी कैरिड हाई अप इन टू द एयर मैं चाहता हूँ कि इसे ऊपर हवा में ले जाया जाए इन एन एरोप्ल एक हवाई जहाज के जरिए एंड स्कैटर फ्राम दैट हाइट ओवर द फील्ड्स वेद द पेजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल और वहाँ से हवाई जहाज से उसे नीचे फेंका जाए कहाँ पर फेंका जाए भारत की खेतों पर फेंका जाए जहाँ के पेजेंट्स कहते हैं किसान जहाँ भारत के किसान टॉयल टॉयल कहते हैं वर्क हार्ड मेहनत करना जहाँ पर भारत के किसान बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं सो दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट एंड सॉयल ऑफ इंडिया ताकि मेरी राख भारत के धूल और मिट्टी में शामिल हो जाए एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशल पार्ट ऑफ इंडिया और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए इन कहते हैं अभिन्न यानी बिल्कुल एक जैसा हो जाए मेरी राख और मिट्टी में कोई फ़र्क ही नज़र ना आए तो दोनों तरीके से वो चाहते हैं कि भारत की मिट्टी में शामिल हो जाएं। एक मुट्ठी राग गंगा से बहती बहती, बहती भारत के तीन तटों के माध्यम से इस तरह से पूरे भारत को लेगी और बाकी ऊपर सवाई जहाज से राख को बिखेरा जाए खेतों के ऊपर ताकि राख जो है भारत की मिट्टी में पूरी तरह विलीन हो जाए ऐसे विलीन हो जाए कि पता ही ना चले कि ये राख है और ये मिट्टी है लास्ट में कहते हैं आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्ट इन न्यू डेली ऑन द ट्वेंटी फर्स्ट डे ऑफ जून इन दर नाइनटीन हंड्रेड एंड फिफ्टी फोर मैंने ये अपनी वसीयत जो है नई दिल्ली में लिखी है इक्कीस जून सन उन्नीस सौ चौवन को ठीक है नाइनटीन फिफ्टी फोर ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जून इन न्यू डेली तो ये उनकी वसीयत है उस वसीयत में से कुछ पैराग्राफ्स लिए गए हैं जिसमें उन्होंने ये मैंशन किया है कि वो उनकी मौत के बाद उनके शरीर का क्या किया जाए उनकी राह का क्या किया जाए तो ये लेसन फ़िलहाल जहाँ तक टेक्स्ट की बात है वो पूरा हो गया है जल्दी जल्दी आप देख सकते हैं इसमें ग्लॉसरी है इसे आपको याद करना चाहिए आपका ही फ़ायदा होगा क्योंकि वकेबुलरी अगर स्ट्रांग होती है तो लैंग्वेज सीखने में उतनी ही आसानी होती है सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर जानना और है और वकेबुलरी को बढ़ाना ये और है अब ये क्वेश्चन आप लोग जानती हैं कि किस तरह से आते हैं एक तो पैसेज आया करता है ये वाला पैसेज कर लेना जहाँ ये लिखा है टू माई इन्यूमरेबल ठीक है इसमें पहले दो क्वेश्चन कर लेना सारे करने की ज़रूरत नहीं है एक तो ये कर लेना आप लोग इसके अलावा जो है ये वाला कर लेना माई डिज़ायर वाला माई डिज़ायर वाला ये कर लेना ठीक है ये हो जाएगा इसके बाद आप लोग जो हैं ये कर सकते हैं दो ही काफ़ी हैं बल्कि नहीं तीसरा और कर लीजिएगा ये सी वाला द गंगा इस्पेशली इज़ इस द रिवर ऑफ इंडिया इसमें भी आप दो ही करना जो भी पैसेज करें उसमें दो ही करना उसके बाद इस तरह की क्वेश्चन आते हैं एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है ठीक है ये है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें वर्ड लिमिट जो है सिक्सटी होती है आप सिक्सटी का मतलब यह है कि आप एट्टी तक लिख सकते हैं और छोटा करना चाहें तो बहुत सौ बहुत फिफ्टी तक है ना इससे ज़्यादा छोटा ना करें इसमें जो है आप एक ही क्वेश्चन कर लें फिलहाल और वो है क्वेश्चन नंबर फोर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी काफ़ी अच्छा है तो इसे ज़रूर कर लीजिएगा एक कर लेंगे काफ़ी है और शॉर्ट की जहाँ तक बात है तो शॉर्ट तो आप लोग सारे कर सकते हैं सारे के सारे ज़्यादा बड़े नहीं होते दो दो लाइंस तक के होते हैं और इसके बाद आप इसमें और कुछ नहीं आता है वकेबुलरी आती है यानी मैचिंग आती है मैचिंग आपके लिए मैं जल्दी से कर देता हूँ ठीक है फ्रैशस का मतलब होता है वैल्यूएबल फ्रेशस का मतलब है वैल्यूएबल कीमती अबंडेंट कहते हैं पर्याप्त एम्पल ठीक है प्रिजर्व कहते हैं बचाकर रखना बचाकर रखना यानी कैप्ट सेफ अटैच कहते हैं जुड़ा हुआ उननाट मिस्ट्री कहते हैं राज रहस्य सीक्रेट और वास्ट का मतलब होता है विशाल यूज इस तरह से ये आप चैप्टर को समझ गए होंगे आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन फुली वेल एंड इफ यू रियली लाइक द लेसन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड इफ़ एनी बडी has not subscribed to my channel please do subscribe now it will be good only for you thank you very much have a nice time